ऑयल के जैसे हाथ रखना, बाद में क्या है वो हैंडलिंग बोले तो यही है। मतलब क्या है, अपने हाथ में जो मिशन रखते हैं ना, रखने के बाद वो क्या है, वो नहीं हिलना, बस ऐसे। अभी जो हैंडल जैसे हाथ में है ना, वैसे खड़ा होकर इसी रहना। अभी ऑफ कंडीशन में है वो, कुछ भी नहीं है। अभी क्या है, खाली अपने को मिशन नहीं घूमता, खाली ऐसे प्रॉपर ऐसे फिक्स होने के जैसे रहता, बस ये अपने का हैंडलिंग बोलते। ये हाथ में पकड़ने के जैसे, आप पकड़ने के टाइम पे अगर ये घूम रहा बोले तो ये क्या है, ये बैलेंस नहीं हुआ, बस ये क्लियर, ये बैलेंसिंग का पार्ट। स्टार्ट। अभी ऑपरेटिंग स्टार्ट हुआ। अभी क्या हो, हाथ में देखो वो डिवाइस ऐसे नहीं हिल रहा, खाली हाथ में ऐसे पकड़ के रहना बस, वो ना ऑटोमेटिकली वो घूम डायरेक्शन देता। अगर कोई सोर्स है तो ये अपने को डायरेक्शन बताता, अगर सोर्स नहीं है ये डायरेक्शन नहीं देता, बस इसके लिए आपको ये बता रहा हूँ क्लियरली। अभी देखो पॉइंट अपन आ रहे, ये अपने को डायरेक्शन दे रहा, मतलब क्या है वहाँ पे कुछ लेयर होने का चांस है, इसलिए वो डायरेक्शन दे रहा। और डायरेक्शन देने के बाद क्या करना, फिर थोड़ा पीछे जाना, पीछे जाके फिर आना, सर ऐसे दो तीन बार क्रॉस चेक कर लो यहाँ पे। क्यों बोले तो अपने को क्या है, ये डायरेक्शन सही दे रहा या नहीं दे रहा ये देखना। अभी देखो वो डिवाइस वो स्लोली रोटेट हो रहा अपने को, मतलब क्या है वो थोड़ा कन्फर्मेशन नॉर्मल है। अभी क्या है, जहाँ पे अपने को डायरेक्शन दिया ना, वहाँ पे फिर सीधा फिर वॉक करना पड़ता। यहाँ पे अगर वाटर का चांसेस है तो ये क्या है, रिटर्न होता। ये भी ऐसे जो भी आप काम करते हैं ना, वो अपने को वन आर ट्वाइस अपन क्रॉस चेक कर लेना, पीछे जाना आ गया ना, पीछे जाना आ गया ना। यहाँ पे एक मार्किंग कर लिया अपन। अभी क्या है, वही प्लेस में फिर वापस आना पड़ता, दूसरे डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन। फिर यहाँ पे ऐसे टाइम पे फिर रोटेट हो रहा। अभी फिर दूसरे डायरेक्शन में जाना, वही लेयर को टच हो रहा या नहीं हो रहा चेक कर लेना। लेयर तो समान ना ले लो, पॉइंट देखना आपको। अभी के उसके बाजू से जाना है, वो जो जहाँ पे अपने को बाजू से गए टाइम पे भी सेम वहीं पर दिखा था। ये अपने को क्या है, थोड़ा पीछे जाके ऐसे आए से टाइम पे अपने की रोटेशन शुरू होता। फिर एक बार क्रॉस चेक कर रहे, देखो जहाँ पे अपने को पॉइंट मार्किंग लगाए सो है ना, वो प्लेस में स्लोली वॉक करके आना, ये ऑटोमेटिकली रोटेशन होता। ऐसे रोटेशन हो रहा बोले तो क्या है, ये अपने को ड्रिलिंग का पॉइंट है। यहाँ पे देख लो थोड़ा स्लोली रोटेट हो रहा, मतलब ये थोड़ा अपने को कन्फर्मेशन कम है, मतलब पॉइंट तो कन्फर्म है बट कम पानी होने का चांसेस रहता। एक दाग लें को, फिर एक बार आपके लिए छोटा एक क्लैरिटी देने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो डिवाइस टर्न हो रहा, वो टर्न क्या है, वो टर्न कैसे मर रहा वो देख लेना। देखो टर्न क्या है, अपने को टर्न हो रहा, वो टर्निंग का स्पीड आप चेक कर लेना बस। अभी क्या है, इसके पहले अपने को यहाँ पे रोटेट हुआ था, यहाँ पे रोटेट होने के बाद अपन क्या करें, वही अपने को मार्किंग करके गए थे,
वो अपना प्राइमरी कन्फर्मेशन हुआ। अभी प्राइमरी कन्फर्मेशन के बाद क्या करना, अपन क्रॉस चेक कर लेना वो सही पे रोटेट हो रहा या नहीं हो रहा, अभी चेक करना। इसके लिए अपन क्या करना, एक चार डायरेक्शन में घूमना बस। स्टार्ट करो। यहाँ पे अपने को रोटेट हो रहा, अभी वो सेम रोटेशन हो रहा। नेक्स्ट अनदर डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, दूसरा डायरेक्शन गए तो भी सेम रोटेशन हो रहा। अभी अपन और एक क्रॉस डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर भी सेम रोटेशन है। अनदर डायरेक्शन, इनको चिन्नो अभी देखो, ये डायरेक्शन हुआ सो टाइम पे मेन चीज ये ध्यान पर रख लो बस। ये अपने को क्या है, हाथ कुछ भी नहीं हिल रहा, खाली डिवाइस ही रोटेट हो रहा है, ये आप देख लो। सिर्फ ये अभी अपने को पॉइंट है। अभी अपन क्या है, पॉइंट फाइनलाइज हो गया है, बाद में अपन क्या करना है, डेप्थ निकालना है। वो डेप्थ कैसे निकालना अभी आपको बताते हैं। अभी क्या है, फिर एक बार आपके लिए दिखा रहे, ये अपने को रोटेशन पॉइंट है, मतलब ये अपना फाइनल पॉइंट हो गया। फाइनल पॉइंट में क्या करना है, कोई भी डायरेक्शन में अपन क्रॉस डायरेक्शन में जाना है बस, मतलब 45 डिग्री एंगल में जाना, कोई भी फेसिंग में अपन 45 डिग्री एंगल जाना है। जाने के बाद थोड़ा दूर जाना है, ऐसे थोड़ा दूर जाना है। ये जाने के टाइम पे क्या होता है, ये अपने को रोटेशन होता, मतलब पीछे दिख रहा। मैं अभी दूसरे डायरेक्शन का दिखाता हूँ, देखो अभी क्या है, फिर पीछे जाके पीछे आए टाइम पे ये अपने को पीछे दिख रहा, मतलब क्या है, अपने को डिवाइस पीछे पलटता। जहाँ पे पीछे पलटा ना, वहाँ पे अपन मार्किंग कर लेना। यहाँ पे अपने को मार्किंग हो गया। अभी फिर दूसरे डायरेक्शन में जाएंगे, दूसरे डायरेक्शन में शुरू करेंगे। कोई भी दो तीन डायरेक्शन में जा सकते हैं अपन। अभी देखो कि अपन जा रहे हैं इसे, ये क्या है, इसे अपने को टर्न मार रहा, वो अपने को पीछे टर्न मारने के बाद यहाँ पे अपन एक मार्किंग लगा देना। मार्किंग लगाने के बाद अपन टेप से मेजरमेंट ले लेना। यहाँ पे केंद्र पिट, यहाँ से अपन ऐसे मेजरमेंट ले लेना, मेजरमेंट टेप लेके वहाँ तक कितना आ रहा वो देख लेना। यहाँ पे अपने को 9 मीटर का मार्किंग आया, ओके। ये 9 मीटर बोले तो क्या है, अपने को वो मेजरमेंट करने के लिए क्या करना, जो मेजरमेंट आया इंटू 10 गुना करना है, मतलब 9 × 10 90 मीटर्स हो रहा डेप्थ। 90 मीटर्स बोले तो उसको अपन फीट में कन्वर्ट करने के लिए × 3.3 कर लेना, जब अपने को 280 ऐसे आसपास आता, 280-290 के आसपास में अपने को। अभी क्या है, दूसरे डायरेक्शन में देख रहे, दूसरे डायरेक्शन में देखने के टाइम पे भी अभी 8 एंड हाफ दिख रहा अपने को, ऑलमोस्ट सेम,
कभी कभी थोड़ा बहुत भी फ़र्क होता, बट ये भी ध्यान पे रख लेना, ये अपने को डेप्थ मेजरमेंट सिस्टम है। लाइव वीडियो भेजते फेसबुक पर।